सुभाष साहब, सबसे पहले ना आप ये वाला वीडियो देखो, इसमें बताया जा रहा है कि जो हाजी मलंग का लिफ्ट है ना, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 27 तारीख को इसका ट्रायल हुआ था और 29 तारीख को इसका फाइनली जो पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है। सो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मेन रोड में। ये देखो, ये रोड है, यहीं से आप जो है लिफ्ट की तरफ जा सकते हो। तो अभी मैं यही सारा चीज आपको दिखाने वाला हूँ कि लिफ्ट जो है अगर चालू हुआ है तो कितना हुआ है, मतलब इसका जो फेयर है वो क्या पड़ने वाला है, कितने टाइम पे पहुंचाने वाला है वो चीज बताने वाला हूँ। अगर चालू नहीं हुआ है तो कब तक चालू हो जाएगा वो भी चीज आपको बताने वाला हूँ। और इसके रिगार्डिंग पहले मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है हाजी मलंग पे, फुल डिटेल बता के रखा हुआ है। अभी जस्ट मैं आपको ना ऐसा लिफ्ट का अपडेट देने के लिए जा रहा हूँ कि भाई लिफ्ट चालू, एक्चुअली में मुझे मालूम पड़ा कि लिफ्ट चालू हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था, न्यूज चैनल्स को देखा था कि भाई हाँ चालू हो गया है, ट्रायल शुरू हो गया था 28-29 तारीख तक जो है ना, सॉरी 27-28 तारीख तक चालू होने का फाइनल डेट था कि 27-28 तारीख को फाइनल हो जाएगा। आज मैं आया हूँ 1 तारीख को, यानी 2 दिन के बाद, तो आज मुझे ये देखने को मिलने वाला है कि भाई साहब चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यार देख सकते हो अभी ये सारा काम चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ऐसा बोगी जो है तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल हूबहू बस की तरह दिख रहा है। सामने में ऐसा शीशा लगा हुआ है बस वाला और कलर भी बस की तरह ही है, और जो सारा देख सकते हो भाई शीशा वैसा लगाया जा रहा है, यानी अभी जो है इसका फुल तैयारी चल रहा है। कुछ अभी जो है तैयार होकर पटरी पे चढ़ चुका है, अभी चल रहा है, बाकी ये सारा चीज अभी तैयार हो रहा है। फिलहाल के लिए मैं बाहर से इसलिए दिखा रहा हूँ भाई साहब कि अंदर जो है ना अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं है, क्योंकि भाई ऑथोराइज पर्सन ही अंदर जा सकते हैं भाई। ऑब्वियसली जितने सारे जो काम चलता है कंपनी वगैरह में, जो हम भी अपनी कंपनी में काम करते हैं भाई, कोई रैंडम पर्सन ऐसा घुस नहीं सकता है। सो सेम एज हम लोगों को अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं भी फिर भी कोशिश करता हूँ, वहाँ का जो गार्ड है ना उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि भाई इसका जो काम है वो कब तक पूरा होगा नहीं होगा। ये सारा डिटेल अभी मैं बताने वाला हूँ उसको पूछ करके, और कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली वही बता दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो स्टेशन है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ये सारा बिल्डिंग जो बनने वाला है बिल्कुल घर के तरह ही बन रहा है और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला भाई साहब यार। अल्टीमेट पूरा इसका जो शेप है ना वो ऐसा बन रहा है कि जैसा अपना जो होता है कश्मीर वगैरह में ऐसा ऊंचा किया हुआ है, मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि भाई यहाँ पर बर्फबारी होने वाला है, तो इस तरह का यहाँ शेप बनाया गया है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। सो भाई ये देख सकते हो ये इसका मेन गेट है जहाँ से हम लोगों को एंट्री करना था। यहाँ जो है ना अनऑथोराइज पर्सन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर जा नहीं पाए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये नजारा दिखा देता हूँ। देखो सामने में कुछ इस तरह का बन रहा है यहाँ का स्टेशन। सो यार फाइनली देख सकते हो यहाँ का जो मेन गेट है ना उससे हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, यानी अब रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न जाने का रीजन ऐसा है भाई साहब, यहाँ का जो गार्ड है ना उनसे हम लोगों ने बात की कि उनसे पूछा कि भाई क्या कैसा क्या है, क्या कब तक पूरा होगा नहीं होगा। वो ऑफिशियली ऐसा कैमरा में आके बोले नहीं, वो बोले कि यार मैं कैमरा में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है। सो फाइनली यार मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, जो भी वीडियो वायरल हो रहा है ना वो सब फेक है, ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल चल रहा है, बट ये कह रहे हैं कि इसका जो ट्रायल है ना भाई साहब, क्योंकि ये बहुत हेवी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा नॉर्मली जमीन पे गाड़ी नहीं चल रही है, इसको पहाड़ी पे चलना है, तो इसका ट्रायल भाई साहब 3-4 महीने लगातार ट्रायल ही ट्रायल चलता है। बिना ट्रायल के यार इसे नॉर्मली ओपनिंग तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई अगर ऊपर चढ़े चढ़ते फेल हुआ फिर सब नीचे खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएंगे ना फिर। तो ऐसा इसलिए जो बोल रहा है कि भाई मिनिमम 3 महीने इसका अभी जो है ना ट्रायल चलने वाला है, उसके बाद BW की तरफ से या WB कहता ने क्या बताया उसके तरफ से लाइसेंस मिलेगा, फिर ये सारा चीज अभी कंप्लीट होगा, यानी पब्लिकली ओपन होगा नहीं होगा ये सारा चीज अनाउंस हो जाएगा ऑफिशियली। तो यार देख सकते हो फाइनली अभी जो है ना हम लोग एक ट्रक में चढ़ चुके हैं, जो कि अंकल जी ने हम लोगों को, हेलो अंकल हाय बोलो ये बोल रहे कि मैं किसी के लिए रोकता नहीं हूँ, सिर्फ तुम लोगों के लिए रोक दिया। और फिलहाल हम लोगों को लिफ्ट मिल चुका है, इधर देखो सामने में शीशा है, बट यार शीशा नहीं भाई, खुला हवा आ रहा है पूरा, मतलब इतना खुला हवा में मजा आ रहा पूरा है ना सुकून। ओ भाई साहब गजब है यार भाई सुकून। तो चलो यार हम लोगों का सफर थोड़ा सा आसान हो चुका है, अभी हम लोग नीचे में जा रहे हैं और थोड़ा सा फील करते हैं, बाकी वहां से हम लोग रिटर्न जाते हैं। बाकी यहाँ का सारा डिटेल था, ये सारा डिटेल मैंने बता दिया भाई साहब, यहाँ आना ठीक है, बट ये सोच के मत आना कि यहाँ हम लोग लिफ्ट में चढ़ पाएंगे, यानी लिफ्ट के जरिए से अपने हम लोग जो है ना ऐसा ऊपर चढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। देखो कितने सारे लोग अभी भी घूम के जा रहे हैं भाई, आपको पैदल ही चढ़ना पड़ेगा। पैदल अगर आप चढ़ पाते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत काम कर रहा है तो यहाँ आना। पैदल के लिए आपको 2 से 2.5 घंटा लग सकता है अगर आप कंटिन्यूअसली चढ़ते हो तो, हालांकि कंटिन्यूअसली कोई चढ़ नहीं पाता है। सो यार फाइनली अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से जो है ना अभी हम लोग थोड़ा सा रिक्शा का वेट कर रहे हैं, रिक्शा शेयरिंग, यहाँ से आप कुछ भी लेके जा सकते हो। अगर शेयरिंग लेके जाओगे तो 50 रुपीज पर पर्सन, यानी 50 रुपीज का एक सीट, ये लोग बोलते हैं कि सीट 50 रुपीज पड़ेगा। अदरवाइज आप रिक्शा लेके जाओगे उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। यहाँ से बस भी लेके जा सकते हो,
बट यहाँ जो है इशू ऐसा है कि भाई यहाँ बस जल्दी मिलता नहीं है, आधा घंटा 45 मिनट एक घंटा तक हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, बस जल्दी मिलता नहीं है। सो सबसे बेस्ट रहता है कि आप शेयरिंग लेके चले जाओ, शेयरिंग जस्ट 50 रुपीज पड़ता है पर पर्सन का, शेयरिंग लेके जा सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि अभी ज्यादा कस्टमर नहीं है, ज्यादा जो लोग हैं वो आए नहीं है, इसलिए अभी शेयरिंग यहाँ से खुला नहीं है। बाकी फाइनली ये सारा था यहाँ का व्यू, मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया, जस्ट ये अपडेट था। इसका जो फाइनल इनॉग्रेशन होगा ना वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, और ये जो ट्रैक है ना इस पर मैं ट्रैवल करके आपको दिखाऊंगा कि भाई ये एक्चुअली में चल कैसे रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना फेयर है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, और यार मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ताकि आप सबको पता चले जैसे मैं इनॉग्रेशन वाला वीडियो डालूं तो आप सबको मिल सके, यानी 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तक अप्रोक्स में। सो 3 महीने तक चांस है कि ये जो लाइन है ना ये शुरू हो जाएगा, लिफ्ट है ना। कितना दिन लगेगा लिफ्ट का मैक्सिमम? 1-2 महीने। 1-2 महीने में चांस है कि भाई ये जो इसका इनॉग्रेशन है वो हो सकता है, यानी लिफ्ट चालू हो सकता है। सो आप लोग भाई आ सकते हो, लिफ्ट चालू होने के बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे आते हो ना, ऐसा 2 से 2.5 घंटा लगता है पैदल चलने में, जिसके अंदर जुनून है भाई, जिसके जिसको ज़ियारत करना है, जिसको दर्शन करना है, वो तो 4-4 घंटे यार पहाड़ी पर चढ़ के अपना जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो भाई उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जो आसानी चीज़ चाहते हैं, आसान चाहते हैं, यानी भाई अगर लिफ्ट के थ्रू जाना चाहे तो भाई जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यार यही सारा था आज का ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की वीडियोस के लिए। सो चलो यार मिलते हैं फिर किसी एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।